हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू असदन नुस्खे। आज हम बात करने वाले हैं दांत में कीड़ा के बारे में, और उसके लिए हम ऐसा नुस्खा लेके आए हैं जिससे कि आपके दांत का कीड़ा भी निकल जाएगा और आपके दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, लॉन्ग है, जिसको कि हम इंग्लिश में क्लब बोलते हैं, और ये दोनों दो तरह के हैं। इस वाले क्लब पे फूल है, इस वाले क्लब पे फूल है, लेकिन जो ये क्लब है, ये जो लॉन्ग है, इस पे फूल नहीं है। आप बहुत ही ध्यान से देख सकते होंगे कि इसमें फूल नहीं है। तो आपको इस नुस्खे के लिए इस तरह के लॉन्ग लेने हैं जिसमें कि फूल हो, ऐसे नहीं लेने हैं जिसमें कि फूल ना हो। तो इसको आपको, इससे आपको अपने दांतों के कीड़ों को भगाना है। इसके साथ साथ अगर इसका आप यूज करते हैं तो आपके दांतों का दर्द भी छूमंतर हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं कैसे। इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह के फूल वाले तीन लॉन्ग लेने हैं। अगर आपके दांत में ज़्यादा दर्द है तो तीन, अगर नॉर्मल आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए दो लॉन्ग काफ़ी है, और अगर ज़्यादा दर्द है तो उसके लिए आपको लेना है तीन लॉन्ग। अब आपको इस लॉन्ग को पीस लेना है या कूट लेना है। किसी भी चीज़ से अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो बेलन तो सबके घर में होता ही है, तो आप बेलन से भी उसको पीस लीजिए। इसको कुछ इस तरह से पीसना है, कुछ इस तरह से, देखिए दरदरा मैंने पीसा हुआ है, तो इस तरह से आपको इसको पीस लेना है। उसके बाद जहाँ आपको आपके दांत में दर्द हो रहा है, इस तरह से आपको चुटकी से लेना है और इसे अपने दांतों के बीच में रख के आपको दांत मुंह बंद कर लेना है, और 5 से 10 मिनट तक इसे, इस चुटकी भर लौंग को आपको अपने मुंह में रखना है। अगर आपके मुंह में लार भी आती है तो उसे थूकना नहीं है। 5 से 10 मिनट में आपको इसे थूक देना है, और ये आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आप सोच रहे होंगे कि आप इसका विश्वास कैसे करें। तो जब पुराने टाइम होता था, जिसमें कि जब दांतों के डॉक्टर नहीं होते थे, तब भी लोगों के दांतों में दर्द होता था, तब भी लोगों के दांतों में प्रॉब्लम होता था, और तब भी लोग उसका अपने दांतों को ठीक करते थे, और उनके दांत इतने मजबूत होते थे कि कम से कम 60-70 साल की उम्र में भी वो अखरोट तोड़ लेते थे। अब दांतों से कीड़ा बाहर निकालने के लिए ये दूसरा जो सामान है, दूसरा ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये है फिटकरी। फिटकरी कई लोग अपने घरों में रखते हैं, कई घरों में नहीं भी होती है, तो ये आपको मेडिकल की शॉप से भी मिल जाएगा, किराने शॉप से भी मिल जाएगा। ये हार्डली 10 रुपये का आपको मिल जाएगा। इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ से टूटा हुआ, इसका बस इतना सा पार्ट मैंने यहाँ पर पीस लिया है। इसको आपको पीस कर बारीक पाउडर बना लेना है, जैसे कि नमक होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ददरा सा आपको दिख रहा है, ये पीसा हुआ फिटकरी है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके दांतों में दर्द है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक कटोरी, और एक कटोरी में आपको, ये मैंने सरसों का तेल है, इसको मैंने डिब्बे में रख लिया है, इससे आपको एक चम्मच या आधा चम्मच, जितना आपको ठीक लगे, एक चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, कुछ इस तरह से, ये एक चम्मच सरसों का तेल हो गया। अब इस एक चम्मच तेल में आपको ये जो फिटकरी है, ये जो हमने पीस की फिटकरी रखी हुई है, इसको इस तरह से लेना है और इस तेल में मिक्स कर देना है। इस तरह से इसको पहले मिक्स करना है तेल में। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, ये घुलती तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर आप इसको रख दें ताकि फिटकरी का असर जो है तेल में अच्छे से आ जाए, ताकि ये अपना पूरा फायदा, अपना पूरा असर दिखा सके। अब आपको क्या करना है, इसके लिए अगर आपके दांतों में, अगर आपके निचले दांतों में कीड़ा लगा है, तो आपको क्या करना है कि इस तरह से एक कॉटन बॉल लेनी है। कॉटन लेनी है, अगर सिंपल कॉटन बॉल है तो आपको एज इट इज़ ले सकते हैं, अगर कॉटन पड़ी है तो उसको इस तरह से गोल कर दे अपने हाथों से, गोल करके उसके बाद ये जो फिटकरी वाला तेल है, इसको इस तरह से उठा लें, इस तरह से डिप करके इस तरह से फिटकरी से भी उठा लें, और इसे अपने निचले मुंह में, निचले दांत पे इस तरह से रख के और अपने दांतों को दबा लें, और इस तरह से आप करके सो जाए रात भर। अगर मतलब आपको डर लगता है कि कॉटन बॉल खुल जाएगी या मुंह में आपकी फिटकरी चली जाएगी, तो इसको जब तक आप जगे हैं आधे घंटे तक, एक घंटे तक, तब तक अपने मुंह में रखे रहिए, और फिर उसको निकाल कर सो जाइए। सुबह तक आपके दांतों में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपका कीड़ा 2 मिनट में निकल जाएगा या 1 दिन में निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नुस्खा नहीं है जो आपका कीड़ा 2 मिनट में निकाल सके। तो इसको आपको 1 हफ्ते तक कम से कम यूज़ करना है, और आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रश किस लिए लिया है। ब्रश इसलिए लिया है कि अगर आपके दांतों के ऊपरी हिस्से में कीड़े लगे हैं तो वहाँ पर कॉटन आप ढंग से नहीं रख पाएंगे, तो उसके लिए आपको ये ब्रश लेना है, और इस तरह से ये फिटकरी वाला तेल
लपेट लेना है पूरा अच्छी तरह से। इसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्रश फिटकरी और तेल लगे हुए ब्रश को अच्छी तरह से अपने दांतों पे लगा लेना है, ऊपर वाली साइड में इस तरह से करके जहाँ कीड़े लगे हैं वहाँ लगा लेना है, और फिर कुछ टाइम के बाद इसको अपने मुंह में खुला करके सो जाना है। आप इसे लगातार एक हफ्ते तक यूज करें, आपके दांतों के कीड़े छू बनकर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पुराने लोग होते थे, दादी नानी होती थी, वो अपने घर में इस फिटकरी से और इस तेल से और लवंग का यूज करके जिस तरह से अपने दांतों के दर्द को, दांतों के कीड़े को भगा देती थी, उसी तरह से आप भी अपने दांतों के कीड़े को भगा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।